हैदराबाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पिता और भाई की हत्या में वांटेड नाबालिग पकड़ में आई। जबलपुर में 15 मार्च को रेल कर्मचारी पिता राजकुमार विश्वकर्मा और भाई तनिष्क की हत्या करने वाली नाबालिग पुलिस गिरफ्त में आ गई है। करीब ढाई महीने की तलाश के बाद उसे मंगलवार की शाम हरिद्वार पुलिस ने अभिरक्षा में लिया। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह अब भी फरार है। जानकारी मिलते ही जबलपुर पुलिस की टीम हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। बीते करीब 70 दिन से नाबालिग और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश की जा रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए जबलपुर पुलिस ने 10,000 पोस्टर देश भर में लगवाए थे। जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को हरिद्वार पुलिस का फोन आया था। वीडियो कॉल पर नाबालिग की तस्वीर दिखाई गई। जबलपुर पुलिस की एक टीम हरिद्वार के लिए रवाना की गई। जल्द ही पुलिस उसे लेकर जबलपुर आएगी। उन्होंने कहा कि अब वो दिन भी दूर नहीं है जब मुकुल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। हरिद्वार पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबलपुर एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह पता चला है कि मुकुल सिंह और नाबालिग लड़की आश्रम, गुरुद्वारा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर अपना ठिकाना बना रहे थे। वे वहां पर भोजन करते और फिर आसपास छिपकर दिन गुजारते थे। हरिद्वार में इसी तरह वे एक मंदिर के आश्रम में छिपे थे और आश्रम के चौकीदार को मुकुल की शक्ल पोस्टर में छपी तस्वीर से मिलती जुलती दिखी। उसने इस बात की खबर पुलिस को दी। हरिद्वार पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया। देखिए, सिविल लाइन डबल मर्डर केस में जो दोनों आरोपी थे, जिसमें मुकुल नाम का लड़का है और साथ में एक अपचारी बालिका भी है, और लगातार हमारी टीम इनके पीछे काम कर रही थी, जिसमें कई अन्य स्टेट्स में हमारी टीम्स गई और लगातार इनको फॉलो और चेस कर रही थी। हमने अभी काफ़ी बड़े स्तर पर पैम्पलेट्स और इनकी जो सूचना है सभी स्टेट्स की पुलिस को भी भिजवाई थी। उसी के लिंक से एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और जिसमें हरिद्वार पुलिस को इंटीमेट किया गया, और हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है जो बाल अपचारी है, और उसे पुलिस ने अभी पुलिस अपने कस्टडी में ले लेगी। बाकी जो आरोपी मुकुल है वो मौका देके अभी वहाँ से भाग गया है, और अभी उसकी तलाश जारी है और जल्दी जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सर, कैसे पता चला कि हरिद्वार में? देखिए, हम लोग लगातार पैम्पलेट्स और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सभी अक्रॉस द स्टेट्स पुलिस से चल रही थी। पहले भी हमें इनकी लोकेशन मिली है। जब हमारी टीम्स बाय द टाइम वहाँ पहुँची तो ये लोग वहाँ से निकल चुके थे, तो हमने कैमरा के जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एटीएम के जो कैमरे थे उनसे हमने डिटेल्स निकाली थी, और इनका जो हुलिया बदला था, इन्होंने जो अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया था, वो सब हम लोग एनालाइज कर रहे थे, और इनकी फोटोग्राफ्स और पैम्पलेट्स हमने जब सर्कुलेट की तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे हमें एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई जो हरिद्वार पुलिस के साथ हमने शेयर की, और कोतवाली पुलिस ने उसको तुरंत अरेस्ट किया, और हालांकि उसमें जो मुकुल जो है वो चकमा देके भाग गया। कह सकते हैं कि कैसे खत्म हो गया आश्रम या भंडारे इस तरीके के सारे चीज़ें? हाँ, देखिए, क्योंकि इनके पास पैसे का ऐसा कोई संसाधन नहीं था। जो पैसे इन्होंने शुरुआत में निकाल लिए थे और जो इनके पास अवेलेबल थे, जो प्लानिंग के तहत ये लेकर गए थे, उनका इन्होंने इस्तेमाल किया, और अभी प्राइमरली जो पूछताछ में जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ये आश्रम में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, ऐसी जगह जाके खाना और अपना जीवन यापन कर रहे थे, और ऐसे में ही ये सूचना जो है डेवलप हुई और इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।